ट्रैफिक पुलिस के अभियान के तीसरे दिन शनिवार को भी वाहनों पर धड़ाधड़ कार्यवाही की गई। पुलिस ने जिले भर में हूटर, ब्लैक फिल्म और पुलिस लिखे वाहनों के चालान किए। ऑटो में लगी एक्स्ट्रा सीट पर भी पुलिस कार्यवाही कर रही है। ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाकर धड़ाधड़ चालान कर रही है। अभियान के तीसरे दिन शनिवार को जिले भर में दो और चार पहिया वाहनों के चालान किए गए। टीआई सुखदेव सिंह ने भगवान टॉकीज, बोदला, सुभाष पार्क समेत कई चौराहों पर पहुंचकर ब्लैक फिल्म, पुलिस लिखे और हूटर लगाने वाले वाहनों के चालान काटे। ये अभियान आज यहाँ सुभाष पार्क चौराहे पे काली फिल्म, पुलिस कलर, जो प्राइवेट गाड़ियों पर पुलिस कलर को लिख लेते हैं उनके विरुद्ध चेकिंग अभियान किया जा रहा है, जिसमें चालान की भी कार्रवाई की गई है। करीब 2000 के ऊपर चालान हो चुके हैं और ये 25 तारीख तक अभियान जारी रहेगा। इनकी लगातार चेकिंग हो रही है। जिन वाहनों में हूटर लगा हुआ है उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है। वाहनों पर हूटर और पुलिस लिखे वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। रौब गांठने के लिए वाहनों पर हूटर और प्राइवेट वाहन पर पुलिस लिखवाया जा रहा है। इसके साथ ही वाहनों पर जाति सूचक शब्द भी लिखवाए गए हैं। ऐसे वाहन पुलिस के निशाने पर हैं। पुलिस ने इससे पहले भी अभियान चलाकर जाति सूचक शब्द हटवाए थे, लेकिन अब फिर से ऐसे वाहन सड़क पर नजर आने लगे हैं। इनके विरुद्ध भी प्रतिदिन अभियान चलाया जा रहा है। जो आगे एक्स्ट्रा सीट लगाते हैं तो उनकी सीटें हटवाई जा रही हैं तथा उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। ये लोग यदि कोई भी ऑटो में सीट लगाकर यदि वाहन को चला रहा है तो उनको रोककर उस सीट के बारे में उनको बताया जा रहा है कि ये सीट ना लगाएं और उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। सिकंदरा गुरुद्वारा के सामने एक्सीडेंट होने पर ऑटो सवार 6 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने अभियान चलाकर ऑटो में लगी एक्स्ट्रा सीट भी हटवाई थी, लेकिन अब फिर चालकों ने ऑटो में एक्स्ट्रा सीट लगवा ली है। टीआई का कहना है कि ऐसे ऑटो के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।